तैयार साथी, आपकी कलम और नोटबुक लेकर मैं आपका विक्रम सर जय श्री कृष्ण के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 संघर्षकालीन भाग, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमीर देव चौहान के बारे में, रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ा। उसका एक पार्ट हुआ था, उसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए हुआ क्या था, 1282 में शासन शुरू करते हैं। पहले जलालुद्दीन खिलजी है, वह आक्रमण करता है रणथंभौर पर लेकिन विफल हो जाता है। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो उसके बारे में लूट का माल लेकर वापस आते वक्त कौन, दो व्यक्ति मोहम्मद शाह और केहब्रू हमीर देव के सवान के में वापस शरण ले लेते हैं और वापस वह अलाउद्दीन को देने से मना कर देता है, जिसके एवज में अलाउद्दीन खिलजी है वह अपने दोनों सेनापति उलूग खान और नुसरत खान को भेजता है युद्ध आरंभ करने के लिए। हमीर देव चौहान उस समय मौनव्रत होने के कारण किनको भेजता है, धर्म सिंह और भीम सिंह को, जिसमें हमने पढ़ा कि धर्म सिंह की मृत्यु हो जाती है और नुसरत खान की भी मृत्यु हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं किस प्रकार से क्या कहानी होती है। उलूग खान ने अलाउद्दीन खिलजी को नुसरत खान की मृत्यु की खबर भेजकर सेना को भेजने को कहा। जब उलूग खान को पता चला कि नुसरत खान की मृत्यु हो गई तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को खबर पहुंचवाई कि हमें और सेना की आवश्यकता है और नुसरत खान की भी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर आया, घेरा डाला और सफल नहीं। इस बार उसे लगा कि अब पानी है वो सर से ऊपर निकल चुका है, तो आखिर उसे ही मैदान में आना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना लेकर आया लेकिन जैसा कि पता चलता है कि जाहिद दुर्ग जो कि कुंजी थी रणथंभौर की, वहां तक आकर उसने घेराबंदी की लेकिन वह सफल नहीं हुआ। कई महीनों तक वह वहां पर बैठा रहा लेकिन क्योंकि रणथंभौर दुर्ग के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। सर कपट, जैसा कि हमको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को भी मारा था, तो छल कपट और कूटनीति का वो कह सकते हैं कि महान व्यक्ति, ठीक है, जो सिर्फ चाल चलना जानता था। तो छल कपट की सोची वह हमीर देव संदेश भेजा कि हमें क्या करना है, संधि करनी। उसने एक प्रकार से संधि करने की बात मानी, ट्रीटी जिसको हम कह सकते हैं, पैक्ट, समझौता करना चाहता कि हम कोई युद्ध नहीं कहना चाहते, बात बैठ कर समस्या का हल करना चाहते, ठीक है। हमीर देव ने रणमन पर अतिपा इसको भेजा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। हमीर देव के दो सेनापति पहले कौन थे, भीम सिंह और धर्म सिंह, अब कौन है, रणमन और रतिपा। याद रखना है इस चैप्टर से, मैंने आपको पहले कहा एक नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो नाम रखना है याद। दो सेनापति हो गए, एक तो अलाउद्दीन खिलजी के उलूग खान और नुसरत खान, दूसरे हमीर देव चौहान के, एक तो भीम सिंह और धर्म सिंह और फिर रणमन और रतिपा। हमीर देव चौहान ने रणमन रतिपा को भेजा, अलाउद्दीन खिलजी उनको लालच देकर, उनको ये लालच दिया कि आप हमें गुप्त दरवाजे बता दिए, हमारा साथ दीजिए और आपको हम क्या बना देंगे, राजा बना देंगे, सिंहासन पर बिठा देंगे, जो कि इन तुर्कियों की मुसलमानों की सबसे हमेशा आदत रही है कि क्या करना, छल कपट का साथ। उनको लालच देकर गुप्त मार्ग के पता कर ली। एक वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग, ये बात है 1399 में पहली बार आया था, तो 1300 में पूरे साल रणथंभौर दुर्ग के बाहर गुप्त राज्य से जाहिद दुर्ग को पार करके रणथंभौर दुर्ग तक पहुंच गए लेकिन वहां पर भी साल भर तक घेराबंदी कर बैठा रहा लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब देखिए, साल भर बाहर डर बैठे तो कोई भी व्यक्ति दुर्ग का बाहर नहीं जा सकता था। आज जैसे हमने जिस लॉकडाउन का पालन किया, हमें पता है कि हम इन 2 महीनों में भी हमारी हालत क्या हो गई थी, खराब हो गई, बाहर जाने का क्या करने लगा, मन करने लगा, क्यों, जरूरत की चीजें तो जरूरत ही लानी पड़ती थी, तो वो पूरे एक साल तक उस दुर्ग के अंदर है, एक साल तक पूरी खर्च समय की सब व्यवस्था होती हुई लेकिन समय समय पर सब चीजें समाप्त हो गई, तो खाद्य सामग्री क्या हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई और अंततः युद्ध तो होना ही था, क्योंकि जब भूखे ही मर जाएंगे तो युद्ध करके जो क्षत्रिय धर्म है, भूख लड़ाई करके ही क्या करें, वीर गति को प्राप्त हो।
अराधन के जिन छल कपट के द्वारा क्या हुई मृत्यु। और मृत्यु कैसे? अब राजस्थान का पहला साका, क्या बोलते हैं साका, इतिहास जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या होता है साका। दो चीजें होती है युद्ध में, कोई भी बढ़ता है उसको वीर पुरुष से वीर गति प्राप्त करते हैं, लेकिन साका में क्या होता है केसरिया, दूसरी चीज है जोहर। पुरुष जब पता है कि अब हमें मौत ही मिलनी है, वीर गति का उपदेश की रक्षा करते हुए मरना है, तो केसरिया साफा पहनता है। अपने देश राजस्थान के राजपूतों की शान है, और हमने जो ये हिंदू धर्म यात्रा निकाली उसमें भी हम देखते हैं कि केसरिया साफा, ये केसरी जो रंग है वो वीर का रंग है। तो केसरिया साफा पहन के युद्ध में उतर जाते और जौहर ओढ़ते पीछे से, क्योंकि उस समय तुर्की ओर थे या जो मुस्लिम थे वो क्या करते थे, वो तो ओढ़ तो अत्याचार करते थे, और आप जितने धर्म में है कि पति के पीछे ही अपना क्या दे देना, बलिदान देना, तो ओढ़ते भी उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। और जौहर मतलब अपने आप को आग में झोंक देना, यानी कहने का मतलब मर जाना, ठीक है। तो जौहर स्त्रियां करती थी, स्त्रियां क्या करती थी, जौहर यानी मृत्यु को प्राप्त होना, और केसरिया कौन करते थे, पुरुष। ये दोनों जब एक साथ होते थे, पुरुष भी मर गए और स्त्री भी मर गई, उसको कहते थे साका, ठीक है। तो पहला साका अपने राजस्थान के इतिहास का पहला साका हुआ था 11 जुलाई 1301। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमीर दे चौहान और आदम खिलजी के बीच में रणथंभौर का जो युद्ध हुआ, तो उसका जो पहला साका हुआ 11 जुलाई 1301 को, जिस एक तरफ केसर साहब पहनकर कौन, हमीर दे चौहान वीर गति प्राप्त, दूसरी तरफ रानी रणदेवी उनकी पत्नी और पुत्री पद्मलता ने जल जोड़ी। हमने देखा पद्मावती मूवी की ओर में, उसमें पता चलता है कि जोर हुआ था, ठीक है। मूवी में कुछ तथ्य पूरे नहीं बताए जाते क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट के लिए बने जाते हैं, लेकिन इतिहास में जब बुक्स में पढ़ते हैं तब पता चलता है कि हकीकत क्या हुई थी। उस समय 16,000 औरतों ने अपने आप को आग में सौंप दिया था, वह अग्नि जोर था। लेकिन ये क्या है, पहला जो जोर हुआ था वह जल जोर, पानी के कुंड में तालाब में अपने आप को डुबा देना काम। तो जितनी भी औरतें थी, रानी थी और पुत्री थी, सब क्या हुए, जल में डूब गए, ठीक है। हमें ये केसरिया पहन के वीर गति को प्राप्त हुए। 11 जुलाई 1301 पर अधिकार कर लिया गया रणथंभौर पर किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। रणमल और की बात देखो तो धोखा देते हैं, उनको भी धोखा ही मिलेगा, ठीक है ना। जो लालच करेगा तो वो लालच में मरेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, धोखा दिया किसको, पहले अमीर दिल चौहान को, उनके जो गुप्त दरवाजे थे गुप्त मार्ग थे वो अलाउद्दीन खिलजी को बता दी। तो जब आप धोखा दे रहे हो तो आपको वापस धोखा मिलेगा, ठीक है। तो रणबल और उनकी बात को मरवा दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कहते हैं हाथी से कुचलाकर मार दिया। ये लोग आपको जो सिंहासन चाहिए था वो आपको मिल गया। अमीर देव ने 38 वर्षों की याद में, 38 वर्ष में जो उनके पिता का जो शासन हुआ था इनका, जयत्र सिंह का, उन शासन की याद में 32 खंभों की छतरी बनेगी रणथंभौर में, तो 32 खंभों की छतरी कहां पर है, रणथंभौर में, और उसको क्या कहते हैं, न्याय की छतरी। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इस चैप्टर की दृष्टि से कि 32 खंभों की छतरी को क्या कहते हैं, न्याय की छतरी। किसने बनवाई, अंग्रेज चौहान ने बनाई। किसकी याद में बनाई, अपने पिता जयत्र सिंह की 32 साल के जो शासन किया था उसकी याद में बनाई। मोस्ट फीचर पदमला दावा कहां पर, वहीं पर, पद्मला कौन, पुत्री हमीर देव चौहान। तो पद्मला तालाब बनवाया और दरबार में कवि था बीजादित्य, इसके दरबार में हमीर देव चौहान। क्वेश्चन आ सकता है बीजादित्य कौन था, कवि था, कहां किस दरबार का कवि था, हमीर देव चौहान का कवि था। हमीर देव चौहान कहां का शासक था, रणथंभौर का शासक था। पद्मला तालाब कहां है, रणथंभौर में है। पद्मला कौन है, हमीर देव चौहान की पुत्री है। हमीर चौहान की पत्नी का नाम रणदेवी, सेनापतियों के नाम रणमल और रतिपाल, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नाम रुख खान, युसुफ खान, कौन मारा गया, युसुफ खान मारा गया। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन बनते हैं।
छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमें एक कड़ी को याद करने में जरूरत होती है। धोखा किसने दिया? रावण ने। कृपाण ने दिया? लालच उनको दिया गया। युद्ध में कब हुआ जोहर और साका, जिसको हम कहते हैं केसरिया? 11 जुलाई 1301। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट। ये है कहानी आपके हमीर देव चौहान की। वेरी इंपोर्टेंट, इससे मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये पूरी एक कहानी के रूप में मैं आपको वापस रिकॉल कर देता हूँ। सिंपल हमें एक बार डाटा याद है, डाटा हमने लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कर लेंगे। राजा है, उसने क्या किया? शासन शुरू किया। एक व्यक्ति है जलाउद्दीन खिलजी, जिसने आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, तो उसकी जगह दूसरा शासन आया, उसने आक्रमण किया, क्योंकि उसके जो विश्वासी आदमी थे वो उनको धोखा देकर उस राजा के पास में चले जाते हैं। और शरण में आए हुए व्यक्तियों की रक्षा करना हमीर देव चौहान ने अपना राजधर्म निभाया। तभी एक कहावत है, सिंह सुमन सत्पुरुष वचन, कतली फलत इकपार इकपार, तिरिया तेल हमीर हट सड़े न दूजी बार। कहने मतलब सिंहनी होती है वो अपने पुत्र जो सिंह होता है उसको एक बार जन्म देती है। सत्पुरुष के जो वचन होते हैं वो हमेशा सत्य रहते हैं, जो कतली फल है वो हमेशा एक बार लगता है, और तिरिया तेल हमीर हट, हमारे जो स्त्री पुरुष जो शादी होती है एक बार होती है तो तेल चढ़ता है वो एक बार होता है। उसी प्रकार हमीर देव चौहान का जो हट है कि मैंने मेरे राजधर्म में आए हुए व्यक्तियों को शरण देना है और उनकी रक्षा करना है, तो वो जो हमीर हट है वो चढ़े न दूजी बार। एक बार जो वो कहते हैं कमिटमेंट कर दिया तो मैं दूसरी बार किसी की भी नहीं सुनता। तो कहानी है, उनको क्या दिया? शरण दिया। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, छल कपट का सहारा लिया, उनके सैनिक सेनापतियों को अपने साइड मिलाया और वहां पर जोहर हुआ, साका हुआ और 32 का मूल छत्री पद्मला तालाब कभी, ये सब कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ा। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और इसको एक कहानी के रूप में याद रखें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।